हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएस म्यूज़िक इंडिया। आरएस म्यूज़िक इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा, UPTGT म्यूज़िक का सिलेबस, गायन एवं वादन, ठीक है। तो ये TGT का सिलेबस है और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा PGT, गायन एवं वादन का सिलेबस। जो वैकेंसी अभी कैंसिल हुई थी वो जल्दी ही रीओपन हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो टाइम पर मिल सके। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है आपने तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ओके। टेलीग्राम चैनल भी हमारा आरएस म्यूज़िक इंडिया के नाम से ही है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। आरएस किस नाम से है? आरएस म्यूज़िक इंडिया, आरएस म्यूज़िक इंडिया। तो इसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट होगी हमारी सिलेबस के बाद, ठीक है। ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं सिलेबस की ओर, ओके। चलिए, ये देखिए आप, ऑफिशियल सिलेबस है, ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हुआ सिलेबस है ये, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, एनलगंज, इलाहाबाद, पाठ्यक्रम प्रशिक्षित स्नातक, विषय संगीत गायन। तो ये गायन एवं वादन दोनों का ही है, ठीक है। इसमें हम खाली सिलेबस आपके सामने पढ़ेंगे, तो इसमें देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या छूटा हुआ है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, निम्न तकनीकी शब्दों की परिभाषा एवं व्याख्या, संगीत, स्वर, सप्तक, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर, अलंकार, आलाप, विवादी, वादी, पकड़, राग, जाति, औडव, संपूर्ण एंड साडव जो की जातियाँ होती हैं रागों की, ताल, मात्रा, लय तथा रागों का परिचय, यहाँ पर मिस्टेक है, रोगों लिखा है, परिचय, संगीत का इतिहास, विविध रागों का अध्ययन, ओके, विशेषता, स्वर विस्तार एवं अलंकारों के माध्यम से रागों की बढ़त, जिसको हम स्वर विस्तार बोलते हैं, ठीक है। रागों के आलाप, ताल, यहाँ पर ये रोगो रोगो लिखा है, मिस्टेक है, उसको माइंड मत करिएगा क्योंकि ये उनकी टाइपिंग मिस्टेक है, ओके। ताल, ताल सहित लिपिबद्ध करने की योग्यता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी पहले सिलेबस आप देख लीजिए, तालों का परिचय, गीतों के आलाप, तान सहित लिखना, गीतों को होना चाहिए, आलाप, तान सहित लिखना, स्वर समूह के छोटे छोटे टुकड़ों के आधार पर रागों को पहचानने की योग्यता। देखिए, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, रागों को पहचानना। अमीर खुसरो तथा भरत, भारत खंडे, यहाँ पर भात खंडे होना चाहिए, भात खंडे की जीवनी, राग यमन, सॉरी यहाँ पर चमन लिख दिया उन्होंने, यमन है यहाँ पर, ठीक है, यमन और खमाज का विस्तृत अध्ययन, प्रत्येक में एक एक गीत आना चाहिए, बिलावल, भूपाली, आसावरी रागों का परिचय, प्रत्येक का गीत स्वरलिपि सहित लिखना, प्रत्येक राग का, राग की सरगम और गीत, प्रत्येक राग का आरोह अवरोह पकड़ गाना भी आना चाहिए। और कह रहे हैं ये, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, सारणा, चतुष्टयी, चतुष्टमी, मिस्टेक बहुत है इसमें, देखिए, बट आप उसको माइंड ना करें, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि जो जिसने भी टाइप किया होगा वो म्यूजिक का तो नहीं होगा डेफिनेटली, इससे लग रहा है, ठीक है, इसलिए ये सारी मिस्टेक हुई है इसमें। तो हाँ, तो यहाँ पर थे हम चतुष्टयी,
अध्ययन, भारतीय संगीत का उद्भव एवं विकास, क्रम, ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, तराना का अध्ययन, प्रमुख कलाकार, कलाकार की जीवनी, त्यागराज, तानसेन, बालकृष्ण इचलकरंजीकर, पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, पंडित बलवंत राय भट्ट जी, आरो अबरो, यहाँ पर ये मिस्टेक कर दिया इन्होंने, अल्पत बहुत, शुद्ध कल्याण, दरबारी कन्नड़ा, अड़ाना, तोड़ी, मुल्तानी, मियांवाला रागों का अध्ययन, ध्रुपद, धमार, तराना, ठुमरी, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो लगभग लगभग आपको समझ में आ ही गया होगा क्या कहना चाहते हैं अभी, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल सिलेबस है, तो हमें बताना ज़रूरी था, ठीक है। उसके बाद ये आपका वादन का, ठीक है। अब इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप बस केवल सिलेबस देख लीजिए जस्ट, ओके। तो वादन में भी संगीत, स्वर, शुद्ध विकृत, आलाप, थाट, राग, आरोह अवरोह, वादी, संवादी, पकड़, गत, तोड़ा, जमजमा, मात्रा, लय, भरी, ठेका, समताल की परिभाषाएं एवं व्यवस्था, संगीत का इतिहास एवं रागों का अध्ययन, वादन पाठ्यक्रमों के रागों की विशेषताएं, रागों की गायकी का शास्त्रीय अध्ययन, स्वर विस्तार एवं अलंकारों के माध्यम से राग की बढ़त, तालों के टुकड़े, परन आदि लिखना, सरल स्वर विस्तार एवं तोड़ों के साथ गत लिपिबद्ध करके लिखना, स्वर समूह के छोटे छोटे टुकड़ों के आधार पर रागों की पहचान, ठेके, कुछ बोलों के आधार पर तालों को पहचानने की योग्यता, तबला, पखावज या मृदंग, वीणा, सितार, सरोद, सारंगी, इसराज, दिलरुबा, गिटार, वायलिन और बांसुरी वाद्य यंत्र, परिभाषित, व्याख्या, आलाप, जोड़ आलाप, जमजमा, गमक, जवाड़ी, तरफ, वाद्य वर्गीकरण के प्रकार, ठीक है। प्रकार सामान्य ज्ञान, मिजराब का कार्य, मिजराब द्वारा कृत विभिन्न लयात्मक प्रसार, विस्तार, वाद्य का उद्भव एवं विकास, क्रमिक विवरण, वीणा के प्रकार का संक्षिप्त ज्ञान, तंत्रवाद के सुगम संगीत धुन की उपयोगिता, तंत्रवाद में सुगम संगीत की धुन की उपयोगिता, बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट स्वरवाद्य होते हैं उन पर काफ़ी सारे जो कलाकार होते हैं वो धुन बजाते हैं सुगम संगीत की, जैसे भजन की धुन हो गई, गज़लों की धुन हो गई, या कोई भी फेमस गीत होते हैं पॉपुलर, उनकी धुन बजाते हैं। आप लोगों को इंस्ट्रूमेंटल मिल भी जाएगा यूट्यूब पे, आप देखेंगे, ओके। जीवनियाँ, पंडित रविशंकर इनायत खां, पंडित बलराम पाठक, उस्ताद मुश्ताक अली, ये वाद्य संबंधी तकनीकी कौशल एवं वादन शैलियाँ, गीतों को स्वरूपी में लिखना, लय और लय के प्रकार, ताल, ताली, ठेका, सम, खाली, आवर्तन, विभाग, पेशकारा, गत, कायदा, बूला, गत, टुकड़ा, परन के प्रकार, दमदार तिहाई, बेदमदार तिहाई, तिहाई, तबला, पखावज के वर्ण, प्रारंभिक बोल निकालने के तरीके, वाद्य का ऐतिहासिक विवरण, ओके, वाद्य के अंग विवरण सहित मिलाने की विधि, विभिन्न बोलों का ताल लिपि में लिखने का ज्ञान, तालों का विशद अध्ययन, जीवनियां, पंडित
भैरव सहाय, नाना साहब पान से, पंडित कंठी महाराज, उस्ताद अलरका खां। अब यहाँ पर लिखा है नोट, तो कह रहे हैं कि गायन एवं वादन दोनों के बराबर संख्याओं में प्रश्न होंगे। अगर एक ही पेपर आता है तो समझ लो कि मिक्स क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो इसमें आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी जब हम लोग, जब जो भी आपने पढ़ाई की है, जो भी आपने जैसे प्रभाकर करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, कुछ बातें समझा देते हैं आपको। प्रभाकर करते हैं, ठीक है, प्रभाकर करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं, जो भी सिलेबस आप लोग पढ़ते हैं, पूरा 5 ईयर वाला सिलेबस, ठीक है, पूरा 5 ईयर 6 ईयर तक का जो सिलेबस होता है, उसको अगर आप तैयार कर लेंगे तो भी आपकी TGT की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इस चैनल के माध्यम से तो आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। ओके, बहुत सारी हेल्प आपको मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। तो आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें और बहुत सारी चीज़ों को आप लोग ऐसे ही तैयार कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो के बाद PGT का सिलेबस आएगा, और ये जो सिलेबस का ये जो PDF है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे आराम से मिल जाएगा देखने को, ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं। तो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करें, ताकि आपको कोई भी इसके जैसे और भी जो आगे वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, ठीक है, और घर बैठे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।